कल जो हम लोग देखे थे क्या देखे थे, ओम्स लॉ के बारे में, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ देखे थे और रेजिस्टेंस को भी इंट्रोड्यूस हम लोग किए थे। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, आज देख लेते हैं ये लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ एकदम सिंपल है। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ रिलेशनशिप बताता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो हम लोग रीअरेंज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, या हम लोग लेते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे आर एक कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, जो कहलाता है रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। और हम लोग कंडक्टर में ग्राफ भी प्लॉट किए थे। ये जो है करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये होल्ड करता है कांस्टेंट करंट। किस पे होल्ड करेगा, कांस्टेंट सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तभी करंट पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर तुम्हें ग्राफ प्लॉट करो करंट वर्सेस वोल्टेज, यहां ध्यान दो, करंट आई वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर, तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, हाँ है ना, मतलब लीनियर ग्राफ आएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर क्या रखें, कांस्टेंट। लेकिन जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट के कारण, अगर किसी कंडक्टर में जैसे बल्ब ही, तो बल्ब में करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करा तो जो उसका तुम अगर बल्ब को टच करोगे तो वो गेट हीटेड, मतलब तो तुमको क्या हो जाता है, वो हीटेड हो जाता है। टेम्परेचर का हीटिंग इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो लीनियर ग्राफ है ना, वो लीनियर ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा, ये आगे चल के क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर। क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर। ऐसे ग्राफ यहाँ पे बेंड कर जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ये जो आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एप्लीकेबल है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही ये एप्लीकेबल है, V प्रोपोर्शनल टू I एट हायर टेम्परेचर। और हम लोग बोल सकते हैं द लीनियर ग्राफ, ये जो ग्राफ हम दिखाए हैं, द लीनियर ग्राफ बिकम्स नॉन लीनियर, बिकम्स नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर हो जाएगा इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हाँ या नहीं बोलो, सिंपल है। सबसे पहला ये लिमिटेशन है। दूसरा मैं बताया था, देखो यहाँ ध्यान देना, पहले देखो कंडक्टर एक तो है ही, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये है कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर, उसमें तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। साथ ही कुछ और भी मटेरियल है जो करंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर से अलग है, कंडक्टर से अलग है। जैसे सेमी कंडक्टर जो हम लोग देखते हैं, लेड, ये लेड जो बल्ब है दिख रहा है ना सामने, लाइट इमिटिंग डायोड, ये एक सेमी कंडक्टर है। क्या है, सेमी कंडक्टर। जो हम लोग नॉर्मल बल्ब लेते हैं 100 वॉट वाला बल्ब जो पहले यूज होता था, उसमें जो फिलामेंट लगा होता था वो टंगस्टन, हाँ या नहीं, वो एक कंडक्टर, वो एक क्या है, कंडक्टर है, हाँ या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो एक डायोड है, क्या है, डायोड, यानी सेमी कंडक्टर। लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये सेमी कंडक्टर, ये भी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, कंडक्टर के केस में ये जो आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल, सबसे पहले याद रखना है, एप्लीकेबल फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जनरली हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स को ही, मेटल्स को ही ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ओमिक कंडक्टर्स किसको बोलेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अरे बोलो यार, yes, हाँ या नहीं, yes, ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर, हाँ या नहीं, yes, ओमिक कंडक्टर कहने का मतलब मोस्टली जो मेटल्स हैं वो ओमिक कंडक्टर्स हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, सॉरी नॉन ओमिक, हाँ कंडक्टर्स बोल सकते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम।
देखो कैसे ग्राफ आएगा, अभी ग्राफ कैसा आएगा करंट और वोल्टेज का, स्ट्रेट लाइन। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में अगर तुम करंट वर्सेस वोल्टेज अगर ड्रॉ करोगे, करंट आई वर्सेस वोल्टेज, हम लोग आगे जाके एक एकदम सेपरेट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में। लेकिन अभी यहाँ याद रखो, यहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखोगे, यहाँ पे भी तो करंट जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ा है तो अभी भी करंट जीरो है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही आपका वो कंडक्टर कंडक्ट करता है। देखो सुनो मेरी बात, कंडक्टर में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो अप्लाई किया, करंट क्या है जीरो। लेकिन छोटा अगर पोटेंशियल लाइक 0.1 वोल्ट लगाओगे कंडक्टर में तो भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, कुछ वोल्टेज के बाद ही कंडक्ट ये आपका सेमीकंडक्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। उसके बाद अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट सडनली इंक्रीज करता है। देखो ग्राफ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आता। हाँ या नहीं? तो क्या ये लीनियर ग्राफ को शो कर रहा है करंट और वोल्टेज? नहीं, ये कैसा ग्राफ है? नॉन लीनियर। कम वोल्टेज बढ़ा रहा है, करंट क्या कर रहा है? ज्यादा बढ़ रहा है। अरे हाँ या नहीं? तो इसको लोग बोलते हैं वोल्टेज भी पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव। अगर पलट के तुम लगाओगे, अरे बैटरी चेंज कर दो ना टर्मिनल, तो आपका करंट जो होगा वो कुछ इस तरह जाता है। समझ आ रहा है? ऐसे ग्राफ आता है आगे की तरफ। जबकि आपका ओमी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट को रिवर्स भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अरे बोलो यार, सेमी कंडक्टर के लिए तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा एक और भी लिमिटेशन है, थर्ड लिमिटेशन है कि अगर तुम किसी कंडक्टर में, देखो किसी कंडक्टर में मान लेते हैं कि 2 वोल्ट लगाया तो करंट मान लेते हैं 2 एम्पियर दे रहा है। 4 वोल्ट लगाया तो क्या देगा? 4 एम्पियर। 6 वोल्ट लगाओगे तो मान लेते हैं 6 एम्पियर हो गया। अरे हुआ ना? ऐसा नहीं कि 8 वोल्ट तुमने लगाया और करंट हो गया 2 एम्पियर, ऐसा नहीं होगा। हर एक वोल्टेज के लिए यूनिक करंट मिलेगा, हर एक यूनिक वोल्टेज के लिए मतलब हर एक यूनिक करंट मिलेगा। अगर वोल्टेज अलग है तो करंट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन सेमी कंडक्टर में कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ ध्यान दो। लाइक गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। अरे है नहीं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसमें दो मटेरियल से बन गए, गैलियम और आर्सेनिक। हाँ या नहीं? तो उसमें जो होता है अगर तुम उसका ग्राफ को प्लॉट करोगे करंट वर्सेस वोल्टेज, तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, देखो ऐसे आएगा। इसका मतलब देखो, एक अगर कोई वोल्टेज मान लेते हैं, करंट हम लोग लिए, यहाँ ध्यान दो करंट से यहाँ पे हम लोग लिए। हाँ या नहीं? देखो ये ग्राफ को दो जगह पे कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। अरे बोलो यार, तो V1 वोल्टेज पे मान लेते हैं करंट है I1, और देखो एक दूसरा वोल्टेज मान लेते हैं, वोल्टेज तो चेंज हो गया, ये भी करंट किसका है? I1। तो दो अलग अलग वोल्टेज पे क्या दिखा रहा है? सेम करंट। हाँ या नहीं? अरे है या नहीं? ऐसा ओम्स लॉ में नहीं है, समझ में आया क्या? तो ये 3 लिमिटेशंस हैं जो तुम्हें याद रखना है। क्विकली मैं रिकैप करता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट लिमिटेशन जो होता है, सबसे पहले तो याद रखना कि ओम्स लॉ किसको बोलते हैं। ओम्स लॉ बोलते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ नहीं? लेकिन ये जो आपका लॉ है वो हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर मेटल्स। अरे हाँ या नहीं? तो ये लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ के। ये जो आई प्रोपोर्शनल टू वी है ये तभी सेटिस्फाइड होगा जब कुछ कुछ कंडीशंस मेट करते हो। जैसे ये वाला कंडीशन होना चाहिए सबसे पहला कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता हो, जो कि रहेगा नहीं, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो हीटिंग इफेक्ट के कारण गर्म हो जाता है, टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्राफ जो लीनियर है वो क्या बन जाएगा? नॉन लीनियर। पहला लिमिटेशन, यानी टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कि ग्राफ जो लीनियर ग्राफ आता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होगा? वो लीनियर नहीं होगा। किसमें? सेमी कंडक्टर। किसमें? सेमी कंडक्टर। और तीसरा जो है कि अगर आप V प्रोपोर्शनल टू I बोले हो तो हर एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं लाइक गैलियम आर्सेनाइड जो दो अलग अलग वोल्टेज पे क्या कर रहा है? सेम करंट। हाँ ना? ये 3 लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ के। क्लियर है क्या? देखो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला से चलते हैं।
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाय ने फैक्टर्स हम लोग देखे थे, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो चार फैक्टर तुम्हें याद रखना, कितने फैक्टर्स, फोर फैक्टर्स। देखो मैं तुम्हारे लिए इजिली इसको ब्रेक करता हूँ। सबसे पहला मैं सारा डिपेंडेंस पढ़ा चुका हूँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे जैसे कंडक्टर का, अगर एक सेम कंडक्टर है, अरे बोलो यार, सेम मटेरियल का, अगर एक कंडक्टर का लेंथ कम है, एक कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिसका लेंथ ज्यादा है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रेजिस्टेंस एक और यहाँ पर फैक्टर है रो, रो एक प्रॉपर्टी है, रो एक क्या है, प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल के लिए। जैसे ये देखो यहाँ पे दो मान लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो दोनों का लेंथ क्या है, सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या, सेम। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग मटेरियल का है, दोनों मान लेते हैं ये कॉपर है और ये क्या है, एल्यूमिनियम, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग। नहीं इसका मतलब लेंथ और एरिया अगर सेम रहे, ये गारंटी नहीं दे रहा है कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। तो हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, अरे है नहीं, ये हर एक मटेरियल अपना अलग अलग रेजिस्टेंस शो करेगा। मतलब अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो कोई ज्यादा उसको अपोज करेगा, कोई क्या करेगा, कम। और ये रेजिस्टिविटी, अगर एक्चुअल इक्वेशन तुम रेजिस्टेंस का पढ़े हो तो ये हम पढ़ाए हैं, आर इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ डिवाइडेड बाय एन इंटू सॉरी एम एल होगा, आर इज इक्वल टू एम इंटू एल एन इंटू ए इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ। ये पढ़ाए थे, देखो यहां ध्यान दो, रीअरेंज करके दिखा देते हैं। आर इज इक्वल टू मास एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ, अरे बोलो यार, एल बाय ए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का, अरे बोलो यार। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा हर एक मटेरियल के लिए क्या होगा, अलग अलग। अरे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक कॉपर है तो कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के कितने हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं। अरे बोलो यार, मैं इसलिए बताता हूं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, या हम निकाल सकते हैं वैलेंसी से। अरे बोलो यार, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। और ये जो टॉप होता है जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर में तो वो कोलाइड करता है किसके साथ, हाँ, या तो एटम के साथ, या पॉजिटिव आयन के साथ, या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा ना। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन, मतलब जैसे मैंने पहले जाकर उससे टकराया, उसके टकराने के बाद नेक्स्ट दूसरे से टकराया, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बाद बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अरे हाँ नहीं। तो टेम्परेचर भी डिटरमाइन करेगा किसको, रेजिस्टेंस को। अरे बोलो यार, तो तुमको जनरली कैसे याद रखना कि मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, उधर ध्यान दो, एक कंडक्टर मैंने लिया, ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ किसी टेम्परेचर पे है आर नॉट, कितना है आर नॉट, जब टेम्परेचर कितना था टी नॉट। हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर दिख रहा है ना, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक मेथड बताए थे हम लोग, पढ़ चुके हैं लैब में, मीटर ब्रिज से, कैसे मीटर ब्रिज से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा होता है एमीटर वोल्टमीटर मेथड, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दो, सीरीज में क्या लगा दो, एमीटर, और करंट पास करा, वोल्टेज और करंट का रीडिंग लो सक्सेसिवली, तो V बाय I क्या देता है, R, वोल्टेज बाय करंट, रेजिस्टेंस देता है ना। तो इसका हम लोग रेजिस्टेंस मेजर किए किसी टेम्परेचर पे, मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसका रेजिस्टेंस मेजर किए, कितना आर नॉट, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया या चेंज कर दिया, घटाया या बढ़ाया। मान लेते इसका टेम्परेचर मैंने चेंज करके कर दिया टी, टेम्परेचर क्या कर दिया टी, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस मेजर किया तो मैंने देखा कि रेजिस्टेंस अलग है, अरे हाँ नहीं, इसका मतलब बाकी चीज सेम रखे, लेंथ सेम रखे, एरिया सब क्या रखे हैं, सेम। इसका मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, क्योंकि इक्वेशन से भी दिख रहा है। रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। हाँ या ना, तो इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आपका आर नॉट है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर टी नॉट पे, और मैं इसको आर टी मान देता हूं, आर टी।
रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का टेम्परेचर टी पे। देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले था टी नॉट, अब कितना हो गया टी, तो टी माइनस टी नॉट, इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। डिफरेंस इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया, चेंज इन रेजिस्टेंस आपका कितना आया है आर टी माइनस आर नॉट, क्लियर है? अरे बोलो यार। अब ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और रेजिस्टेंस को भी मेजर करते जाओ। तो ऐसा पाया गया कि रेजिस्टेंस, चेंज इन जो रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस, अरे भाई ना, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आर टी माइनस आर नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल रेजिस्टेंस के, इनिशियल रेजिस्टेंस के जितना पहले था यानी टी नॉट पे, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है आर नॉट, अरे बोलो यार। और दूसरा देखा गया कि चेंज इन जो रेजिस्टेंस है आर टी माइनस आर नॉट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज लाओगे उतना ही ज्यादा चेंज होगा रेजिस्टेंस में, अरे बोलो यार। कोई कुछ नहीं बोलता, टी माइनस टी नॉट, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के, और आर टी माइनस आर नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, टी माइनस टी नॉट या डेल्टा टी, बोलो यार। आप प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाएंगे तो हम लोग कॉन्स्टेंट देते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है अल्फा, क्या है अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, ये अल्फा एक कॉन्स्टेंट है, अब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट का नाम दिया गया है कॉन्स्टेंट नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो इसका मीनिंग क्या, देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 4x, क्या लिखते हैं 4x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, अरे बोलो यार। यहाँ पे देखो t माइनस टी नॉट टेम्परेचर है, क्या है टेम्परेचर, और r क्या है रेजिस्टेंस, और इसके पहले क्या लगा हुआ है अल्फा, तो मैं बोलूंगा अल्फा ये दोनों का कोएफिशिएंट है, अरे है नहीं, यानी टेम्परेचर का भी है और किसका है रेजिस्टेंस, इसलिए इसका नाम पड़ा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अरे बोलो यार। ये इक्वेशन आया मुझे, अरे हाँ या ना, और इसी इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर दें लाके, तो मेरे पास है आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, यहाँ से अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही देगा, मान लेते ये 10 ओम, ये कितना है 5, 10 माइनस 5 कितना होगा 5 ओम ही होगा यूनिट, और यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ओम, और ऊपर में यूनिट होगा ओम, नीचे में भी यूनिट ओम, और टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का होता है केल्विन, क्या होता है केल्विन, के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओम ओम कैंसिल, केल्विन नीचे में ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस, केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स यूनिट है, अरे बोलो यार। और इसी इक्वेशन को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे आएगा आर टी माइनस आर नॉट, या सोलो आर नॉट को उधर ले जाओ तो आर टी इज इक्वल टू जाएगा आर नॉट प्लस अल्फा इनटू आर नॉट टी माइनस टी नॉट, हाँ या ना, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट को कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यहाँ पे बच जाएगा वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट को किसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी, अरे बोलो यार। तो ये इक्वेशन जो है दिख रहा है ना, ये इक्वेशन तुमको बता रहा है कि टेम्परेचर के साथ, चेंज इन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। अब ये अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगा ये आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, और यही वैल्यू रहेगा नेगेटिव, क्या रहेगा नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर। एक नंबर में याद रखना है कि अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा किसके लिए कंडक्टर, और अल्फा का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव सेमी कंडक्टर। देखो इस इक्वेशन में देखो कोई भी है वन प्लस समथिंग, वन प्लस समथिंग, देखो मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर बढ़ रहा है
फाइनल ज्यादा इनिशियल क्या है कम, तो ये पॉजिटिव आएगा। डेल्टा टी क्या आएगा पॉजिटिव, और कंडक्टर के लिए अल्फा क्या है पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है पॉजिटिव, उसको ऐड कर रहे हो वन के साथ तो बढ़ रहा है वन से, हाँ ये नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या करेगा बढ़ेगा कंडक्टर के केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा का वैल्यू क्या है नेगेटिव, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर क्या कर रहा है बढ़ रहा है, तो टी माइनस टी नॉट क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव, वन माइनस नेगेटिव मतलब क्या कर रहा है घट रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या करेगा घटेगा, किसके केस में सेमीकंडक्टर। हाँ या ना, देखो दो छोटे मोटे पॉइंट याद रखो, सबसे पहला ये अगर एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, सीधा सीधी बोलना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऑन इंक्रीज विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस कंडक्टर के केस। अगर वही पूछे सेमी कंडक्टर तो बोला ऑन इंक्रीज विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, हाँ या नहीं, उल्टा क्लियर है क्या? और ये फॉर्मूला याद रखना क्लियर है क्या? तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर, फटाफट लिखो। हाँ ये एक्सपेरिमेंटली बताए ना, कि मान लेते हैं कि इससे क्यों, सबसे पहले मैंने एक कंडक्टर लिया था 5 ओम का, कितना था 5 ओम, एक है 10 ओम, एक क्या है 10 ओम, दोनों में सेम टेम्परेचर को बढ़ाए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर इधर सुनो, वो पूछ रहा है कि सर आपको कैसे पता चला कि रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, तो मैंने दो कंडक्टर लिया, कितना लिया 2, एक कंडक्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है कम, और दूसरा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा, मान लेते हैं एक का 5 है दूसरे का क्या है 10, सेम मटेरियल था, दोनों कॉपर है, दोनों कॉपर का, दोनों में सेम टेम्परेचर बढ़ाए, इसको भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए, इसको भी 20, तो देखा गया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा, किसका बड़ा जिसका 10 था, हाँ ये नहीं, इसका मतलब ओरिजिनल इनिशियल रेजिस्टेंस भी डिटरमाइन करता है चेंज इन रेजिस्टेंस को, हाँ ये नहीं, इसको रेजिस्टेंस के बारे में फैक्टर बताए ना कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का एक्चुअल इक्वेशन ये है, R इज इक्वल टू याद रखना ये बताओ एम इंटू एल, एम इंटू एल एम इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ इंटू ए, ये बताए थे ना, और अभी जो हम लोग देखे थे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, ये फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू आर नॉट, बोलो या 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, सब लोग पहले समझो इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर नॉट, और टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस आर टी, अल्फा एक कॉन्स्टेंट, अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये प्रॉब्लम लेते हैं इसी प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन पे, सॉरी इसी फॉर्मूला पे बेस्ट एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले क्वेश्चन को समझो, मैं रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड अ कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर, दो वायर एक है आयरन, एक तुम्हारा क्या है आयरन और दूसरा क्या है कॉपर, ये दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों का रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, एक का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड कॉपर वायर आर 3.9 ओम, इसका है 3.9 ओम, और इसका रेजिस्टेंस है 4.1 ओम, किस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब एक आयरन वायर है दूसरा कॉपर वायर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस 3.9, इसका रेजिस्टेंस 4.1, क्लियर है, बोलो एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल, किस टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, अरे बोलो आई से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, दोनों क्या बन जाए इक्वल, किस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, अरे बोलो यार, और साथ में तुम्हें दिया हुआ टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज अल्फा दिया हुआ, अल्फा ऑफ आयरन, अल्फा ऑफ आयरन में दिया हुआ है 5.0 इंटू 10^-3 केल्विन, और ये दिया हुआ है अल्फा कॉपर Cu, हम लिख देते हैं 4.0 इंटू 10^-3 केल्विन इनवर्स, देखो पहले समझो मैं बना देता हूं,
देखो प्रॉब्लम क्या कर रहा है ना, ये सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस दोनों का दिया है। इस टेम्परेचर को मैं मान लेता हूँ टी नॉट, इस टेम्परेचर को क्या मान लेता हूँ टी नॉट। अरे बोलो यार, तो टी नॉट पे आयरन का रेजिस्टेंस और टी नॉट पे कॉपर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला वो आयरन के लिए लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ आयरन के लिए। तो पहले आयरन के लिए लिखते हैं, फॉर आयरन मैं लिखूंगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। अरे लिखेंगे तो आर टी में टेम्परेचर टी पे मुझे रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन टी नॉट पे रेजिस्टेंस तो मालूम है, कितना है 3.9। हाँ ये नहीं, वन प्लस एल्फा दिया हुआ आयरन का 5 × 10⁻³। टी माइनस टी नॉट दिया हुआ है 20 डिग्री, क्या दिया हुआ है 20 डिग्री, 20 ही रहने देते हैं क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर किसी भी स्केल पे सेम होता है। केल्विन में लो या डिग्री सेंटीग्रेड पे लो, डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या आएगा सेम। इसको मैं रहने देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ वन। दूसरा लिखता हूँ फॉर कॉपर, फॉर कॉपर टेम्परेचर टी पे मान ली, मैं ऑलरेडी मान चुका कि दोनों का रिएक्शन सेम है, तो मैं लिखूंगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। लिखा आर टी, मुझे टेम्परेचर टी पे नहीं मालूम है कितना रेजिस्टेंस है, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस मालूम है कितना है 4.1। हाँ ये नहीं, वन प्लस एल्फा कॉपर दिया हुआ है 10⁻³, टेम्परेचर टी और टी नॉट तुम्हें दिया हुआ है, टी नॉट कितना है 20। अरे बोलो यार, इक्वेशन नंबर टू। अरे है नहीं, अब टेम्परेचर टी पे दोनों का रेजिस्टेंस क्या है सेम, और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है सेम, तो इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशन। अरे है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम, 3.9 इसका राइट हैंड साइड, वन प्लस 5 × 10⁻³ टी माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना जाएगा 4.1 इंटू वन प्लस 4 × 10⁻³। सही है ना, इंटू टी माइनस 20। अरे बोलो यार, सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? देखो 3.9 उधर ले जाते हैं, अरे 3.9 उधर भैया मल्टीप्लाई कर लो, 3.9 × 1 प्लस 3.9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 × 9 45, 4 बचेगा और 5 × 3 15 + 4 19.5 × 10⁻³ टी माइनस 20 मल्टीप्लाई करो 4.1 × 1 4.1 4.1 4 16.4 × 10⁻³ टी माइनस 20। अरे बोलो यार, अब ये इक्वेशन सिर्फ एक टी के टर्म में आ रहा है। अरे बोलो यार, तो क्या टेम्परेचर टी लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते भैया, इजिली निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? ये वाला 3.9 को उधर ले जाओ और ये वाला इधर ले आओ, तो इधर बचेगा 19.5 × 10⁻³ टी माइनस 20 माइनस इधर लाओ 16.4 × 10⁻³ टी माइनस 20 और उधर हो जाएगा 4.1 ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 3.9। अब देखो दोनों में टी पॉइंट टी माइनस 20 10⁻³ क्या है कॉमन, तो टी माइनस 20 और 10⁻³ कॉमन नहीं है तो होगा 19.5 बचेगा यहाँ पे माइनस 16.4 इज इक्वल टू यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 11 − 9 2 यहाँ पे 1 − 3 0.2 वेरी गुड 0.2 आएगा। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत कर जाना। अब देखो 19.5 माइनस 16.4 बोलो 5 − 4 1 अरे 3.1 अरे हाँ ना, तो टी माइनस 20 × 10⁻³ × 3.1 और यहाँ पे बचेगा 0.2। अरे यार डेसिमल डेसिमल कैंसिल 31 उधर चला जाएगा, तो टी माइनस 20 × 10⁻³ इज इक्वल टू 2/31। ये माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिविजन में प्रूफ हो जाएगा तो प्लस, तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू जाएगा 2 × 10⁻³ 3/31, तो टी इज इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस उधर जाएगा क्या होगा 20 + 2 × 3 ये हो जाएगा 2000 3-0 होगा ना बाय 31। हाँ ये ना, अगर सॉल्व करोगे देखो कितना टाइम जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम जाएगा। अरे 6 60 + 20 80
कितना आएगा 80 डिग्री से। और यार 2000 को सब्ट्रैक्ट करो ना मेरे भाई 31 से, कितने टर्म जाएगा 6 6 into 1 6 6 into 3 18, 10 minus 4 10 minus 6 4, 9 minus 8 1, ये कैंसिल हो गया 0। अरे है नहीं, फिर कितने टाइम्स आएगा देखो, एक मिनट ज्यादा रहे ना, कितना टाइम जाएगा 4, हाँ 4 टाइम्स 64, 4 और 4 into 3 12 124, 6 यहाँ पे कितना बचेगा 3 minus 2 1, डेसिमल देंगे यहाँ पे क्या आएगा 0, 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली जाएगा 64.5 64.5। नहीं ठीक है, 64.5 20 डिग्री, हाँ तो कितना जाएगा 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ, प्रोसेस समझ में आया ना, ऐसे सॉल्व कर, चलो लिखो फटाफट।